ग्लोबल वार्मिंग के सीजन में अगर कोई बिजनेस गर्मी पे है तो वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। सात समुंदर पार से हीरोइन आती है, सात फिल्में करती है और सातवें आसमान में चढ़ जाती है। फॉरेन हीरोइन धड़ाधड़ देश में इंपोर्ट हो रही है, बाहर का माल अवैध रूप से अंदर इंपोर्ट किए जा रहे हैं। आखिर बिना घूस दिए कैसे घुस रही है विदेशी हीरोइंस? क्या इन्हें वेलकम करना चाहिए या फॉरेन वापस फॉरेन भेजना चाहिए? हेलो, दिस इज हरदम स्वामी एंड यू आर वॉचिंग मोगली की अमर दास्तां। शट अप, यू आर वॉचिंग सवाल पे बवाल। और घंटे के सवाल पर बवाल करने के लिए सबसे पहले आ रहे हैं संजू बाबा। ये आप क्या कर रहे हैं संजू बाबा? मैं संजू बाबा नहीं हूं। तो क्या आप SRK हैं? नहीं, मैं संजू बाबा हूं। पोपास, प्लीज ऐसे घटिया जोक्स नेशनल टेलीविजन पर मत मारिए। आगे बढ़ते हैं। एनीवेज, हमारे साथ हैं चाइनीज समोसे के इन्वेंटर, अनाड़ियों के खिलाड़ी। प्लीज वेलकम खिलाड़ी कुमार। पोटने क्या, क्यों थक रहा है तू? इतनी सारी भीड़ क्यों बुलाई हुई तूने सुबह सुबह? और ये क्या बैनों पे बैन लगाने की बात कर रहे हो? बैन? अरे मेरी नहीं, तुम्हारी बैन। मिस्टर कुमार, नेवर नेवर अगेन ऑन नेशनल टेलीविजन से दैट एनी ऑफ दीज गर्ल्स ओवर हियर आर माय सिस्टर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैनल पर आ रहे हैं हमारे बीच एक ऐसे नेता जो है रागनी के खास और मंदिरा के खासम खास। प्लीज वेलकम द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल श्री KL अडवाणी। अपुन बोलना तू मेरी लेना, वो बोली फेंकता है डालना। अपुन जब भी सच्ची बोलता है उसको हमेशा झूठ काहे को लगता है रे। ये आपको क्या हो गया अडवाणी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे चुनाव जीतने के बाद आजकल अपुन का ऐसा ही के भीड़ू। ए रागनी टेंट ना टेंट 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 आरा एंड व्हाट्सएप बंदेरा, यू आर लुकिंग टोटली रैप्टिक टुडे। वंडरफुल वंडरफुल। अडवाणी जी के साथ हमारे बीच आ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति विशेष जिनकी उम्र है 72 और जिन पे लगी है दारा 376। प्लीज वेलकम कासाराम बाबा। ले गई दिल मेरा मंचली, ले गई दिल मेरा मंचली, खली वली खली वली खली वली खली वली खली वली। कासाराम बाबा, वॉट डांसिंग बट नो टॉकिंग, वॉट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी? अगर आप बादाम खाओगे, काजू खाओगे, पिस्ता खाओगे तो आपके यौवन में आनंद आएगा। एक मिनट या प्लीज, मैं सबको इधर एक सात्विक चेतावनी देना चाहता हूँ। मैं ओरिजिनल बाबा हूँ, ये लोग सब बाद में आए डुप्लीकेट बाबा लोग। वो कामदेव वो सलवार कमीज पहनता है और ये कासाराम सलवार कमीज जाने दो यार, अभी मुंह क्यों गंदा करने। थैंक यू संजू बाबा, थैंक यू। हमारा डिबेट को भी गंदा मत करना। तो जेंटलमैन, लेट्स फोकस ऑन द सवाल टुनाइट। और आज सवाल पे बवाल में सबसे पहले पूछना चाहता हूँ हमारे माननीय संजू बाबा से। बाबा, आपका क्या मानना है? एक्चुअली हरदम इतने फालतू टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो यार। फॉरेन से कितनी सारी चीजें आती है इंडिया में, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पॉलिसी, क्रिकेटर लोग, यहाँ तक कि मेरे मोबाइल पे फोन भी फॉरेन से आते हैं। अरे आगे लग गए दुबई जी भाई। नहीं, एक ऐसे डिस्कशन पे आया हूँ। नहीं, आपका नाम नहीं लिया है भाई। हेलो वन सेकंड, हेलो भाई। भाई आप अपना मुंह क्यों गंदा कर रहे हो? गाली दे रहे जी भाई। अब मैं सीधे घर जाऊंगा भाई। जी भाई, ओके भाई जी। आ भाई थैंक यू जी भाई। थैंक यू संजू बाबा, फॉरेन बॉडी पर फॉरेन जवाब देने के लिए।
अब आगे बढ़ते हैं, हम फौरन चलते हैं खिलाड़ी कुमार की ओर। आप बताइए आपकी क्या राय है इस इंपोर्टेड एक्टिंग के मुद्दे पर। अरे आजकल बॉलीवुड में एक्टिंग करता कौन है, 20 साल तो मुझे हो गए, मुझे तो किसी ने नहीं पूछा आज तक। और कैटरीना के साथ मैंने 4.5 फिल्में की है, 4.5 आज तक मैंने कभी उसकी एक्टिंग नहीं देखी। थैंक यू। वैसे अडवाणी जी आपके क्या विचार है, क्या बाहर का माल अंदर आना चाहिए? अरे अपुन तो तेरे को कब से बोलता है, इस देश में तो सदियों से बाहर का माल अंदर आ रहा है। अरे अपुन के देश में तो रागिनी नेता भी बाहर से आ रहा है। और अगर तेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो कोपके में लेकर चलू क्या? अडवाणी जी से बढ़ते हैं कासाराम की तरफ। कासाराम, क्या आप फॉरेन हीरोइंस के पक्ष में हैं? मैं तो सभी हीरोइनों के पक्ष में हूँ। दीपिका और प्रियंका के गाने में मेरा दिल थोड़ा थोड़ा मचल जाता है, और उससे ज्यादा मजा तो तब आता है जब ब्रेक में सनी लियोन का एड आता है। बाबा बाबा, क्लियरली आप दिल से इस मुद्दे को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, और मैं सारी हिरण को एक ही बात कहना चाहूंगा, आज न छोड़ूंगा तुझे दम दम दम, आज न छोड़ूंगा तुझे दम। पहले खुद तो छोड़ जा, फिर दूसरों को छुड़वाने की बात करना। ए अग्गी, अग्गी। हाँ बाबा। ये छोड़ने छुड़ाने की बातें मेरे सामने मत करो। क्यों बाबा, क्या हो गया? तुम्हें इमोशनल हो जाते हो इसमें। सही है, सही है। ओके ओके, कंट्रोल योर इमोशंस ओवर हियर प्लीज जेंटलमैन, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। संजू बाबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आखिर फॉरेन हीरोइंस को सपोर्ट क्यों करते हैं? हरदम, ये बच्चियां अपने देश की है। एक्चुअली वो लोग का पापा लोग फॉरेन में काम करता है, इसलिए वो लोग को उधर रहना पड़ता है। वो लोग को इंडिया वो ओढ़ के लाती है, ममता की माँ की। What? ममता की माँ का। What? नहीं, नहीं, माँ की ममता। संजू ने हमें बताया कि हीरोइंस उनकी माँ की वजह से देश में माँ की ममता की वजह से। ओके, ममता की वजह से। शट अप। सॉरी मिस्टर कुमार, हम सिर्फ टैलेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, हम टैलेंट एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? हमारे एक्टर्स हॉलीवुड फिल्मों में काम करने क्यों नहीं जाते? किसने कहा नहीं जाते? जाते हैं। देखा नहीं, मल्लिका शेरावत गई थी, अपना इरफान खान गया था, अभी अभी अनिल कपूर जी जाके आए वहां पर, वो बड़ी बड़ी फिल्मों में ये छोटे छोटे दो दो मिनट के रोल करते हैं। इंग्लिश में 2 मिनट की एक्टिंग आती है, 2 मिनट का रोल मिलता है, और पेमेंट भी 2-2 मिनट के हिसाब से मिलता है। संजू बाबा, आप हमें एक बात बताइए, बॉलीवुड में फॉरेन से सिर्फ हीरोइंस आती है, लेकिन फॉरेन हीरोज क्यों नहीं आते? आते ना। आते? हाँ। कौन? वो टॉम ऑल्टर, बॉब क्रिस्टो। बॉब क्रिस्टो? बॉब क्रिस्टो वही। और मैं शेखर सुमन। What? शेखर सुमन, one second, let me take this one-on-one. Prove it to me. India needs answers tonight. शेखर सुमन फॉरनर कैसे हुआ? How is it possible? We need answers tonight. Please let us know. ये क्या बोल दिया यार मैंने? शेखर सुमन फॉरेन से। आपके पास प्रूफ है, बताइए। हाँ, एक दिन क्या हुआ, मेरे को शेखर बैंकॉक में मिला था बीच पे। मैंने उसको बोला, ए शेखर किधर जा रहा है? तो मेरे को बोला, बाबा मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो बैंकॉक फॉरेन हुआ, तो फॉरेन से इंडिया है, शेखर सुमन फॉरेनर है। ओके, मूविंग ऑन। कासाराम जी, आप बताइए आपको कौन सी हीरोइंस पसंद है? मैं तो सभी हीरोइनों को पसंद करता हूँ, चाहे वो बड़े पर्दे की हो, छोटे पर्दे की हो, या बिना पर्दे की हो। अभी अभी तो ये अंदर गया था, लेकिन इसके अंदर की मस्ती अभी तक बाहर नहीं आई। इतनी खुजली कहाँ से लाते हो तुम लोग? मैं कासाराम जी के लिए 4 पंक्तियाँ सुना रे लाऊं बीड़ू। ओके, सुनाइए। अरे तुमको लड़कियों से दूर रहना मांगता है, और इस बुढ़ापे में थोड़ा कंट्रोल होना मांगता है, और फिर भी अगर तुम्हारी खुजली ना मिटे तो ओके साबुन से नहाना मांगता है, तभी तो मेरा कमल खिलना मांगता है बीड़ू। जेंटलमैन, आई नीड योर क्लोजिंग कमेंट्स, 30 सेकंड्स, मिस्टर कासाराम। मैं तो सभी हीरोइनों से प्रेम करता हूँ, लेकिन हमारे प्रेम के बारे में तुम क्या समझो हरदम बाबू? कोई दूसरा प्रेम करे तो प्रेम लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला।
कोई दूसरा छेड़े तो खेल, हम छेड़े तो सीधा जेल। फ्रॉम कासाराम टू अक्षय बाबू। अक्षय, क्या ये फॉरेन हीरोइंस जैसे आइटम बॉम्ब से हमारे हीरोइंस को कोई खतरा है? कोई खतरा वतरा नहीं है, ये सब उल्टे सीधे सवाल मत पूछो। कोई खतरा नहीं, मैं बताता हूँ। अगर उनके पास आइटम बॉम्ब है तो हमारे पास में, हमारे देश में इमरान हाशमी जैसा बॉम्ब डिफ्यूजर है। आडवाणी जी, आपके फाइनल कमेंट्स, 30 सेकंड्स। अरे अपुन तो इस पूरे देश के लिए बस यही मैसेज देना चाहता है कि अब अपुन की सरकार आ गई है और हम लगा देंगे इन विदेशी हीरोइंस पर बैन। और ये सब बताओ मंदिरा, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए। फिर से शुरू हो गए, प्लीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव द फाइनल थॉट्स फ्रॉम आवर फाइनल पैनलिस्ट। संजू बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली ये टॉपिक हीरोइन लोग का है तो मैंने एक पोयम लिखी है। ओह वंडरफुल। अरे व्हाई यू शुशिंग मी ऑन नेशनल टीवी अगेन? हाउ डेयर यू डू दैट? ये पोयम का नाम है। अरे बच्ची समझ गई, तेरे को अक्कल नहीं है करा हरदम। ओके सर, प्लीज डू नॉट इंसल्ट मी ओवर योर कंटिन्यू। अब पोयम तो शुरू कीजिए। पोयम खत्म हो गई। लेकिन पोयम तो हमने सुना ही नहीं। एक्चुअली ये मंदिरा साइलेंट पोयम थी। हरदम, ये फॉरेन हीरोइन पे थी, थोड़ी सी वल्गर पोएम थी इसलिए बोला नहीं। वंडरफुल, थैंक यू संजू बाबा, एंड दैट्स इट ऑन सॉल्व पे बॉल। एक मिनट, एक सोशल मैसेज देने का है। सोशल मैसेज? वो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बारे में? नहीं, वो नहीं। हाँ प्लीज कंटिन्यू। तनिषा, तुम जहाँ कहीं भी हो, घूम रही हो आउट ऑफ इंडिया, वहां से आते वक्त मेरे लिए एक बॉटल ले आना। व्हाट? परफ्यूम की। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।